असलमकुम तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे हैरियत से होंगे और खुश होंगे बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर तो व्यूज़ आज एक स्पेशल रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार लच्छेदार पराठा बना सकते हैं तो बड़ी आसान रेसिपी है बड़ी ही मज़े की बनती है सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें तो चलिए सबसे पहले आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बता देते हैं इस तरफ एक अदद हमने अंडा रखा है साथ में पीसी हुई चीनी है जो हसबे जरूरत इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ जो है नमक रखा है हमने वो भी हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे इस तरफ मैदा है जिसे हमने गूँद के उसका आटा तैयार कर लेना है इस तरफ घी रखा है वो भी हँसए ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और इस तरफ है सादा पानी तो ये थे व्यूज़ आज की रेसिपी के मुखसर से इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले जो है आपके पास जो मैदा है उसे आप एक बर्तन में डाल लीजिए तो अंडा जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए और अगर आप ना भी डालें तो कोई दिक्कत की बात नहीं तो अभी एक चुटकी जो है आपने नमक और एक चुटकी जो है पिसी हुई चीनी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है और साथ में दो टेबल स्पून के बराबर आपने घी डाल लेना है डालने के बाद अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए हंसब जरूरत जो है आप पानी डालते जाइए बिल्कुल जैसे नॉर्मल तौर पे आप घर पे आटा गूँध लेते हैं उसी तरह से आपने यहाँ पे आटा गूंथ के इसे रेडी कर लेना है तो आटा हमने यहाँ पे गूँ लिया है अब तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ देंगे हल्का सा इसके ऊपर जो है घी की एक मजीद लेयर लगा देंगे इससे नरम हो जाएगा हमारा जो मैदे का आटा है तो अभी आधा घंटा हमने इसे रखा था और आधे घंटे के बाद जो है अब इसके हम पेड़े तैयार करेंगे और पेड़े तैयार करने के बाद हम इसके पराठे बना लेंगे तो रेसिपी बहुत ही आसान है रेसिपी के बारे में कोई भी आपको सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ पे इसके पीसिस कर लेंगे और पीस करने के बाद एक पेरा जो है उसे आपने पहले बेल लेना है और बेलने के बाद किस तरह से आपने उसे जो है तैयार करना है वो देखते जाइए वो जो हमने तीन पीस आपके सामने किए थे उसमें से एक पीस को हमने इस तरह से बेल के सीधा कर लिया था और बेलने के बाद आपने इस तरह से उसे जो है एक साइड से फोल्ड करते जाना है जैसा कि मैंने पहले आपको शुरू में बताया था कि आज की रेसिपी में दो से तीन तरीके हम आपको बताएंगे जिस तरह से आप लच्छेदार पराठा बना सकते हैं बिल्कुल तो आपने इस तरह से इसे फोल्ड करके पतला कर लेना है जो पेड़ा तैयार किया जाता है लच्छेदार पराठे के लिए वही जो है सारी रेसिपी की मेन चीज़ होती है मेन जो टिप है यहाँ पे वो यही है कि किस तरह से आपने पेड़ा तैयार करना है तो भी हाथों के साथ आपने इस तरह से इसे लपेट देना है पहले आपने लंबाई में इसे अच्छी तरह से जो है बेल के लंबाई में सीधा किया था और उसके बाद आपने हाथों के साथ ही इसे जो है लपेट के इस तरह से गोल कर देना है तो यहाँ पे एक जो हमने पेड़ा है उसे रेडी कर लिया है अभी ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है इसे जो है आपने मज़ीद एक दफ़ा बेल के अच्छी तरह से जिस तरह से रोटी बेल लेते हैं उस तरह से बेल के आपने इसको पका लेने हैं लेकिन अभी हमने एक जो है वो पेड़ा आपके सामने रेडी करके रखा है यहाँ पे दूसरा जो है तो वो भी आपको बताते हैं किस तरह से आपने रेडी करना है पहले आपने बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से सीधा करके इसे बेल देना है फिर इसकी जो है आपने लेर्स बना लेनी है ये देखिए बिल्कुल ध्यान से आपने यहाँ पर देखना है इस तरह से आपने इसको उठाते जाना है और इसकी लेयर्स बनाते जाना है इससे पहले वाले में आपने देखा था कि हमने बिल्कुल जो है लंबाई में उसे गोल करके सीधा किया था फिर बाद में हमने उसे लपेट के जो है सर्कल में पेड़ा तैयार कर लिया था तो बिल्कुल इस तरह से जो है आपने इसे लपेटते जाना है तो लीजिए जो लेयर्स थी वो यहाँ पे हमने रेडी करनी है इसकी अब इसे भी उसी तरह से आपने गोल कर लेना है जिस तरह से आपने पहले वाली जो है पेड़ा जो लिया था उसे गोल किया था तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसे रेडी करने लगे हैं इस तरह से आपने इसे बिल्कुल फोल्ड कर देना है पहले हमने इसकी लेस बनाई थी आपके सामने और लेस बनाने के बाद आपने इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है रेसिपी बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं है बहुत आसान रेसिपी है तो अभी इस तरह से लंबाई में बना था ऊपर से आपने इसे दबा तो के इसका पेड़ा तैयार कर लेना है अभी से भी आप बेल के जो है इसकी रोटी यानी कि इसे सीधा करके बेल के आप इसका पराठा बना सकते हैं इसे पहले एक जो है वो हमने पेड़ा तैयार करके रखा है अब ये दूसरा पेड़ा है अब एक तीसरा जो है वो भी हम आपको बताएंगे पहले आपने बिल्कुल सादा नॉर्मल पेड़े को बेल के फिर इस तरह से आपने उसकी लेस बनानी है एक साइड से आप खींचते जाइए दूसरी साइड से आप इसको जोड़ते जाइए तो भी हाथ के साथ आपने ये देखी इस तरह से इसे रिंग्स जो है इसकी बना लेनी है तो आज की रेसिपी में तकरीबन तो हमने दो से तीन तरीके आपको बता दिए हैं जिस तरह से आपने पराठे का पेड़ा तैयार करना है तो पेड़े तैयार करने के बाद इनको जो है आप बेल के तो अपना पराठा बना सकते हैं मेन जो आज की रेसिपी की चीज़ थी वो यही थी कि किस तरह से आप अपने घर पर पेड़ा तैयार करना है क्योंकि अक्सर लोग जो हैं उनसे अच्छी तरह से पेड़ा तैयार नहीं होता तो इसी वजह से उनका जो पराठा है वो भी सही नहीं बनता तो यहाँ पे हमने आपके सामने जो है पेड़ा आपको तैयार करके बताया है अब आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसे पकाना है तो जो हमने पेड़े तैयार किए थे उनको पहले आपने इस तरह से बेल लेना है और बेल के आपने उसे जैसे नॉर्मल आप घर पे पराठा बना लेते हैं उसी तरह से आपने पराठा बना लेना है तो अभी हमने यहाँ पे तवा ले लिया और जो पेड़ा हमने बेल के रखा है उसे डाल देंगे यहाँ पे तो जैसे ही गर्म हो आप इसके ऊपर जो है रोटी डाल दीजिए तो एक साइड जो है उसे हल्का सा आप पका लेने के बाद उसे टर्न कर दीजिए और उसके बाद आपने घी यहाँ पे यूज़ करना है ऊपर वाले हिस्से पे भी आपने घी लगा देना है और उसके किनारों पे भी जो है आपने घी लगा देना है देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है तो यहाँ पे आज की रेसिपी में घी जो है आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक साइड के अच्छी तरह से पका लेने के बाद ऊपर वाली साइड को भी टर्न कर देंगे और वो भी अच्छी तरह से आप रेडी कर लेंगे तो इसी तरह से जो बाकी पेड़े आपने अपने पास रखे हैं उनको भी आप रेडी कर लेंगे तो व्यूज़ ये थी हमारी आज की रेसिपी लच्छेदार पराठे की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी दबाते जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो इसी के साथ प्यूज़ अब हमें इजाज़त दे दीजिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज